फ्रेंड, अमित आहूजा, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं रुड़की में हूँ, आकाश के पास। और बेसिकली ये जो वीडियो है ये इसलिए है कि जब जो क्लाइंट टूल लेता है वो क्या सोच के लेता है और क्या मजबूरी में लेता है। मतलब फर्स्ट टाइमर होते हैं, पर आकाश फर्स्ट टाइमर नहीं है। आकाश खुद बताएंगे। आकाश, मैं आपको कितना टाइम से जानता हूँ? और जो पहला टूल आपने लिया था मेरे से कौन सा था? लॉन्च का प्रोलाइट। कैसा था टूल वो? मजा बांध दिया ना। और उसके बाद अपन ने एक लॉन्च का CRP 349 लिया था आपने, वो भी ठीक था। फिर इन्होंने लिया जी एक्स टूल PS 70 ना। कैसा था? आप बताओ ना, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस तो ये है, मुझे तो सही नहीं लगा, इसलिए तो फिर मुझे लेना पड़ा। बताओ क्यों लेना पड़ा? इतने पैसे कहाँ से? इसलिए लेना पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं मतलब ये है कि आकाश का ये चौथा स्कैन टूल है। प्रोलाइट का उनका अपग्रेड खत्म हो गया था। प्रोलाइट का अपग्रेड कितना मांग रहे थे वो? 35,000 रुपए प्रोलाइट का अपग्रेड मांग रहे थे लॉन्च का। और फिर उन्होंने CRP लिया। CRP से ये कभी भी आकाश खुश नहीं रहा, परेशान था। फिर इन्होंने फाइनली PS 70 लिया मेरे कहने पे कि यार ये PS 70 अच्छा है। और दो तीन को दिलवाया भी था ना। और भाई साहब, वो ये हाल हुआ कि बैटरी का इशू आया। आकाश ने कितनी बार टूल भेजा? मैंने सर 3-4 बार टूल भेजा वहीं लुधियाना में ना, लेकिन वो बैटरी का आज भी इशू है। और लास्ट में आपने ये 10-2 लाइट लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ एंड फिर मैं वहाँ पे पुरकाजी में मैं आपको उन क्लाइंट से मिलाऊंगा। वो फर्स्ट टाइमर है। और कहने का मतलब ये है कि हम लोग अच्छा, कभी आकाश ये फील हुआ कि मैंने गलत गाइड किया टूल के लिए? अपनी तरफ से जो ईमानदारी से अच्छी गाइडेंस है वो मैंने दी है, इसीलिए आज मैं हक से इस दुकान पे आके ये टूल दिया है मैंने। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि आकाश का जो उसका रिएक्शन था टूल्स के ऊपर, तो इसमें हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? पहला कंक्लूजन जो लोग चिल्लाएंगे, जो कि चिल्लाते हैं कि जी पहले आप लॉन्च बोलते थे। भाई साहब, मैंने लॉन्च बेचा है, आकाश उसका प्रिंसिपल है। और कई बार क्या होता है, आई मीन ही इज द एग्जांपल, और मैंने कई लॉन्च बेचे हैं और उस टाइम मैंने MBL से विजय भास्कर से भी लेके बेचे हैं और टेक्नोमैटिक से ज़्यादा नहीं, बट मेरे ख्याल से 5-7-10 पीस बेचे होंगे तो बेचे होंगे, क्योंकि उसके बाद देन वी मूव्ड ऑन, कोरोना शरोना आ गया एंड एवरीथिंग व्हाटएवर। बात यह है कि अच्छा प्रोडक्ट था प्रोलाइट, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था, बहुत वेल रिसीव्ड हुआ। और वो क्यों बंद किया गया, वी हैव नो आइडिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लॉन्च का पायलट है वो भी मैंने बेचा। पायलट के अपने कुछ इश्यूज थे और CRP हम लोगों ने ट्राई करा, 2-4 पीस बेचे, बट वो ज्यादा रिसीव वेल रिसीव नहीं हुआ। आकाश एक प्रिंसिपल एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट और उसकी जो एक्सट्रीमली हाई आपकी जो अपडेट कॉस्ट है, अब वो अपडेट कॉस्ट, क्योंकि ये जो प्रोलाइट लिया गया था ये MBL से लिया गया था, आकाश ने इसको अपडेट कराना था, मैंने विजय भास्कर का नंबर दिया, विजय भास्कर के बंदों ने व्हाटएवर आपके सामने है उसको 35,000 रुपए कोट किया। उसने कहा मेरे को कोई फायदा ही नहीं है, 35,000 रुपए मैं एक साल के लिए दूंगा, इससे अच्छा मैं नया ट्यूल ही ले लेता हूं। एक्स टूल का आपने सुनी लिया, हम लोगों ने बेसिकली एक्स टूल का जो बोलने वाले थे, एक्स टूल को प्रमोट ही क्यों किया था हमने? प्रमोट मैंने इसलिए किया था कि मेरे को लगा कि अफोर्डेबल टूल है, लोग जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो जितनी बातें हुई थी कि बहुत ही हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज 2.5 साल होने को आए हैं वो बद से बदतर हो गया।
इफ एनीथिंग, जो इश्यूज रहे वो रहे, कोई चेंजेस नहीं है। और एस आर एफ जो थिंक टूल है, थिंक टूल अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं आज के डेट में, जाहिर सी बात है एट द प्रेजेंट डेट आज जो है यथार्थ आज की डेट में वो बेस्ट ऑप्शन है। कल क्या होता है क्या नहीं होता आई डोंट नो। बॉटम लाइन मेरे फ्रेंड्स ये है कि जो टूल आप लोग सोच समझ के, मैं हर बार बोलता हूं कि टूल हर बार चूज वो करो जिसकी ओनरशिप कॉस्ट आपको दर्द ना दे। मैं खुद भुक्तभोगी हूं ऑटेल का टूल लेके या ऑटोलॉजिक लेके, जो उसकी ओनरशिप कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा है कि यू नो मेक्स नो सेंस। जी स्कैन का हाल देख लो, कोई भी काम का टूल नहीं है। एक जमाने में बहुत बढ़िया था जो हमारे पास है, ऑसिलो ऑसिलो वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद जब जब से वो ओईएम से हटा है किसी काम का टूल नहीं है। जी स्कैन 3 कब आया कब चला गया डोंट नो। जेनेट आया वो साइड से अपना बेचे जा रहे हैं, ना वो DOIP है ना वो CAN FD है ना कुछ है, लेकिन जनता है यहां की दिए जा रही है। 35,000 उसका अपडेट है, बाद में कहते हैं यार ये तो बहुत महंगा है। सो माई पॉइंट इज ये आकाश इज अ प्राइम एग्जाम्पल। ये आप ये देखो चार टूल लिए इसने, डज इट मेक सेंस? नो। अगर एक टूल लेता, क्यूमुलेटिव कॉस्ट देखो 65,000 रुपए का लाइट, 68,000 रुपए का थिंक टूल, 60,000 रुपए का प्रो, 50,000 रुपए का CRP, यू एड इट अप, आप एड अप करो देखो कितना पैसा हो गया। एंड लेट अस होप कि जो इसकी अब जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़िया रहती है, क्योंकि बात ये है थिंक टूल में दोनों विनिंग कॉम्बिनेशन है कि अप फ्रंट प्राइस भी कम है और जो ओनरशिप कॉस्ट है वो भी कम है। सो आज की डेट में सबसे सस्ता अगर यू नो आप अपडेट कराना चाहते हो, रियली थिंक टूल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बाकी आई होप ये वीडियोस आपको कुछ इनसाइट देंगी। बाकी लोगों ने कमेंट किया है कि ऑसिलो के ऊपर वीडियो बनाओ, ऑसिलो चलाना कैसे है, वेरी डिफिकल्ट सर, ऑसिलो वीडियो के थ्रू आपको सिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके वो अगर मैं क्लासेस लेनी शुरू करूंगा तो कम से कम 60-70 क्लासेस होंगी तो जाके आप चलाओगे। सो वील कीप द वीडियो टिल हियर एंड विद अ न्यू वीडियो ASAP जल्दी से जल्दी। चीयर्स, टेक केयर, बाय बाय।